हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से इसके बेसिक पार्ट्स हमने पहले पढ़ लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ इफ गिवन ब्लो, जो नीचे दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द ईच केसेस, सभी में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो इसके अंदर एक मेन सी बात होती है, जो एक्स एक्सिस को जो लाइन जितनी बार कट करेगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या ये लाइन कहीं पे भी कट कर रही है? नहीं कर रही। सो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ एफ एक्स के अंदर डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कभी एक बार भी नहीं कट रहा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। एंड सो द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हैज नो जीरोज, तो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच इंटरसेक्ट कर रहा है? दो बार कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? टू। द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, दो पॉइंट को पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड सो द पॉलिनोमियल हैज टू जीरो, तो पॉलिनोमियल कितने जीरोज होंगे? दो जीरोज होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर ही वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना कि एक्स एक्सिस को, और हमारे को पॉलिनोमियल किसके अंदर दे रखा है? एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो यहां से पहले क्वेश्चन में बोल रखा है पॉलिनोमियल किसके अंदर है? वेरिएबल एक्स के अंदर, तो मींस एक्स को ही कट करे। अगर यहाँ पर वाई बोले तो वाई कट करेगा, उतने ही जीरो होंगे। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सो द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हैज नो जीरोज, तो एफ ऑफ एक्स के कोई भी जीरोज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल दे रखे अपने को और उसके जीरोज निकालने हैं, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये उसके वेरीफाई करने हैं। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट की मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए हमारे पास ए का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट की माइनस एट, और ऐड करें तो आना चाहिए हमारे पास माइनस टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस फोर एक्स और प्लस का टू एक्स, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, तो यहाँ से प्लस टू एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू माइनस ऑफ एट। यहाँ से फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर को टू से तो माइनस एट, और माइनस फोर और टू को ऐड करेंगे तो माइनस टू एज इट इज आ रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ गया? एक्स, एक्स कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया? एक्स, यहाँ से माइनस फोर, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ गया? प्लस का टू, यहाँ से टू चला गया तो क्या बच गया? एक्स, और यहाँ से माइनस फोर। यहाँ से एक खास बात होती है कि जो दोनों ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर वैल्यूज सेम आनी चाहिए हमारी, तो यहाँ से दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू क्या कॉमन आ गई? एक्स माइनस फोर, तो यहाँ से क्या बच गया? एक्स प्लस टू। टू फाइंड जीरो, जीरोज फाइंड आउट करने, तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के इक्वल। तो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या क्या है? एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होंगे, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर जीरो हो रही है, इसमें मिनिमम एक नंबर तो कम से कम हमारा जीरो होना चाहिए। वहन, ये जीरो कब होगा? जब x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, या तो ये फैक्टर जीरो हो जाए या ये फैक्टर जीरो हो जाए। अगर x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये इस साइड आ जाएगा फोर, और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टू। दस फोर एंड माइनस टू आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। किसके? पॉलिनोमियल ओवर एक्स के। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज की, इन दोनों जीरोज का सम करें तो फोर प्लस माइनस टू, तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। इस टू को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ माइनस टू, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस देंगे अपॉन में वन। तो यहाँ से पॉलिनोमियल का था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये क्या हो गया? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट कितना था? माइनस टू, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमने रिलेशन के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया? फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस एट को क्या लिख सकते हैं? माइनस एट अपॉन वन, और माइनस एट कहाँ है? कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रिलेशन प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ओवर एक्स, क्या दे रखा है? फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, इसके भी जीरोज निकालने हैं और रिलेशन बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल क्या है, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? माइनस का 12, और अगर ऐड करें तो कितना आ जाए? फाइव स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से
इस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तोड़ देंगे 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 की, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 2 इनटू 6 माइनस का 12 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्स्ट के दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 चला गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस, यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 चला गया 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3 माइनस। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या रहनी चाहिए सेम, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट में इस कॉमन क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो यहां से क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। टू फाइंड जीरो, जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। ये जीरो कब होगा, जब इसके दोनों जो फैक्टर है इनमें से कम एक जीरो हो, वहन आइदर ये इज इक्वल टू जीरो हो सकता है और ये फैक्टर इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हुआ तो ये वैल्यू क्या देगा, इस साइड आएगा तो माइनस 3 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और अगर ये जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर जीरोज ऑफ द एफ ऑफ एक्स, ये इसके क्या आ गए जीरोज। अब क्या बताना है, इन इसका रिलेशंस बताने हैं। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो दोनों जीरो आए उनका ऐड कर देंगे 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एलसीएम कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहां से माइनस 3 इसको स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करेंगे कितना बच गया 2, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हमेशा 1, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, माइनस का 6 प्लस का 1 तो क्या हो गया माइनस 5 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना आ गया माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो x का कोफिशियंट था वो क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशियंट था वो कितना है 4, तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस पहले से कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, यही रिलेशन के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो जीरोज दे रखी इनकी प्रोडक्ट कर देंगे तो ऊपर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो गया 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहां से माइनस 3 क्या है, माइनस 3 क्या है यहां से कॉन्स्टेंट टर्म और 4 क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी का थर्ड पार्ट है, लेट एफ ऑफ वाई पॉलिनोमियल ओवर वाई, पॉलिनोमियल ओवर वाई क्या दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई माइनस 5 वाई, तो यहाँ से ये 2 है इसको एलसीएम लेके बाहर कॉमन निकाल दें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसके अपॉन में 1 है क्या हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, इसका कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई माइनस 10। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 20, अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ से इसको 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को किस में तोड़ देंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ से 1 बाई 2 बाहर कॉमन ले लेंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई माइनस 10, फर्स्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन 2y, तो यहाँ से 2 चला गया y चला गया तो क्या बच गया y प्लस, यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई चला गया y बाहर चला गया माइनस, यहाँ से y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच रहा है y के लिए सिंगल बच रहा है और प्लस का y है तो क्या कॉमन आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या आ गया y प्लस ये माइनस है तो माइनस बाहर चला गया कॉमन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ से इसके फैक्टर क्या क्या बन गए इन दोनों ब्रैकेट में इस कॉमन क्या आ गया वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ क्या बच गया 2y और यहाँ माइनस का 5। टू फाइंड जीरो, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे जीरो के इक्वल, और ये पॉलिनोमियल जीरो होगा तो इसके फैक्टर्स किसके इक्वल आ जाएंगे जीरो के इक्वल, और ये कब होंगे जब या तो ये फैक्टर जीरो के इक्वल आए या फिर ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल आए, अगर ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल आता है तो ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी तो नेगेटिव कितना होगी वाई की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 बाई 2 जीरो हो ही नहीं सकता तो इसके लिए हम सोल्व नहीं करेंगे सिर्फ वाई वाई के लिए सोल्व करेंगे, और ये वाला अगर फैक्टर जीरो के आया फाइव इस साइड आएगा प्लस का और 2 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 हो जाएगा, दस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ वाई, ये इसके जीरोज किसके हो जाएंगे एफ ऑफ वाई के पॉलिनोमियल ओवर वाई के हो जाएंगे। देयरफॉर अब रिलेशन बताना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो जीरोज ये आए हैं दोनों इनको सम कर देंगे ऐड कर देंगे, एलसीएम कितना है 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना हो गया माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस का 5 है तो माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में है 2, तो यहां से देखो
ये 1/2 कॉमन चलाया गया था, यहाँ से 3√5 किसका कोफिशियंट है वाई का, माइनस बाहर है तो क्या हो गया 3√5, या फिर इसको 2 को अपॉन में लेते हैं तो अपॉन में 2 ले ले 1 इसको कर देंगे तो ये किसका कोफिशियंट हो गया माइनस कोफिशियंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज भी कर सकते हैं, माइनस 3√5 ये क्या हो गया माइनस कोफिशियंट ऑफ वाई और माइनस सॉरी कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर 2 नीचे है ये एज इट इज, ऐसे भी यहाँ तक भी कर सकते हैं यहाँ तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका फर्स्ट जीरो क्या है माइनस 2√5 और सेकंड क्या है √5 अपॉन 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो माइनस √5 अपॉन 1, माइनस √5 क्या है यहाँ पर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अल्फा और बीटा यहाँ जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो दे रखा है 6x² + 6x - 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बतानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, 1/α + 1/β, α/β + β/α, इसमें कुछ नहीं है सिर्फ किसके फॉर्म में लेके आना है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से हेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 1 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना है 6 तो माइनस 1 अपॉन 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है कॉन्स्टेंट टर्म -2 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 6 -2 अपॉन 6, 2 से इसको काट देंगे -1/3। अब बताने की इसकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसको खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हमारे पास ये 2ab चला जाए तो इसकी वैल्यू हम बता देंगे, तो अभी इस 2ab को इस साइड लेके आए तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab ये इसे कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α × β, तो ए प्लस बी क्या आ गया -1/6 आया, अल्फा प्लस बीटा -1/6 का होल स्क्वायर -2α × β कितना -1/3 तो -2 × -1/3, यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस और माइनस प्लस 2 × 1 2/3, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 36, 36/36 1 बच गया, प्लस 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो 2 × 12 कितना है 24 + 1 1 + 24/36 = कितना है 25/36, इसी की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट देखते हैं 1/α + 1/β की वैल्यू, तो अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ गया α × β, तो यहाँ से α × β को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा बीटा, और बीटा से डिवाइड करेंगे α + β / α × β, α + β की वैल्यू क्या है -1/6 α × β की -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में है तो वैल्यू पलट जाएगी मल्टीप्लाई 1/6 / 3/ इसको 1 लिख सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे 2 कितनी वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट के अंदर किसकी वैल्यू बतानी है α/β + β/α, इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना है α × β, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस तरह से सोल्व कर रखी थी पहले कितनी आई 25/36। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से आ गई, इसकी वैल्यू हमने सोल्व की थी कितनी आई 25/36 और α × β -1/3, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन ये पलट जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 3 से इसके काटेंगे 12 के माइनस का साइन आगे आ जाएगा -25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अल्फा और बीटा है वो जीरोज हैं किसके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है ax² + bx + c, देन इवैल्यूएट क्या फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, हेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल f(x)
इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, बी, माइनस बी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी, सी, सी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, सी अपॉन ए। अब जो दे रखा है उसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, क्योंकि इन्हीं दो की वैल्यू है हमारे पास। देखो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी, ये होता है क्योंकि इसका अगर हम खोलते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, और इसमें से माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस कर देंगे, ये इससे कैंसिल, किसकी वैल्यू बच जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या है, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये पावर थ्री है माइनस की तो माइनस रहेगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस और माइनस प्लस थ्री बी सी अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया, ए की क्यूब, ए क्यूब ए से ए क्यूब कैंसिल, क्या बच गया, माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए बच गया, तो क्या हो गया, थ्री ए बी सी, यही वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता है, उसको माइनस कर दिया तो ये वैल्यू एज इट इज बच जाएगी, और इसकी वैल्यू हमने पीछे भी सोल्व किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, इसको सोल्व करेंगे तो ये अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर आती है। ऐसे इसलिए क्या, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया, ये वैल्यू हमारे पास है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से नीचे एलसीएम कितना आ गया, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ए से कैंसिल हो जाएगा, टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस सुखे ए स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, फोर, एलसीएम कितना आ गया, ए की पावर फोर, ये एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ए की पावर फोर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट में देखते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बीटा कैंसिल, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा बच गया, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, और इसकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसकी वैल्यू पीछे निकाली हुई क्या आई थी, थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब, इसी के फर्स्ट पार्ट में अपॉन ए क्यूब, और नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में पलट जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये पलट गई और मल्टीप्लाई होगी, ये ए और ये ए क्यूब पावर एक कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी। यहाँ तक ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझने हैं और एक्सरसाइज 2.2 हाफ सोल्व करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।